हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है राखी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था, वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी तो इसलिए उसको मैंने दो पार्ट में डाला है। और अभी भी काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई थी, बस जैसे तैसे करके इसको नॉर्मल किया है। तो यहाँ पर हम तीनों बहनों की बारी आ चुकी थी और अब जो हमारे बच्चे हैं और मेरे भाई के बच्चे हैं, बहन के हैं, तो अब इन तीनों बहनों की बारी आएगी राखी बांधने की। ये अपनी भाइयों को बांध रही है, हमने अपने भाई और भतीजे को बांधी थी और अब इनका नंबर आ गया है। तो ये मेरे भाई की बेटी है और ये भाई के बच्चे दोनों भाई के हैं। तो अभी दिया का नंबर है तो दिया बांध रही है इनको राखी, बारी बारी से करके, है ना। सारी बहनें एक दूसरे को राखी बांधेंगे और राखी बांधते बांधते ही हमें काफ़ी टाइम हो गया था, घंटों लग गए थे राखी बांधने में ही। और आज है ना रात को हम सिर्फ 4-5 घंटे ही सोए होंगे, मुश्किल से बता रही हूँ मैं, क्योंकि हम 4-4:30 बजे सब लोग उठ गए थे और तभी से अपने अपने काम में लग रहे हैं। क्योंकि ये है ना, इसकी तैयारी कई दिन से चल रही थी, सब लोग इकट्ठा हैं तो बातों बातों में टाइम ऐसे चला गया, पता ही नहीं चला। और अब सुबह से रेडी हो रहे थे तो देखिए आज बच्चे हैं ना अपने पूरा फर्ज निभा रहे हैं, पैर छू के निकला है। और यहाँ पे अथर्व का नंबर है, देखिए अथर्व राखी बंधवा रहा है अपनी दीदी से। और सबसे बड़ी बात तो आप आगे आके देखना, जब अथर्व को राखी बन जाएगी, इसकी तो मुझे सच में उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा कर लेगा। वो तो वैसे भी है ना बहुत शर्माता है, उसको नमस्ते के लिए बोलो ना तब भी उसके मुंह से है ना बहुत देर बाद नमस्ते निकलती है, आराध्या करती है तो उसी के बाद वो स्टार्ट होता है। तो देखिए इस चीज़ को मैं बता रही थी, आज अथर्व ने है ना पैर छुए हैं और देखिए नेक भी दे दिया है। दोबारा से फिर दिखा रही, दो बार पैर छुए गए हैं क्योंकि उसने है ना दिया को पैसे नहीं दिए थे, तो दोबारा फिर उसको पैसे देने के लिए बैठा था और दोबारा उठा तो फिर भी पैर छूकर ही उठा। तो और ये किसी ने है ना उसको बोला भी नहीं था, बिना बोले ही वो उसने ये किया था पैर छुए, समझ आ गई। और यहाँ पर वंश की बारी आई है, वंश के पैर में चोट लगी थी, अभी तो फिलहाल ठीक है, पूरा तो ठीक नहीं हुआ है। तो हमारे साथ ही आया था ये, क्योंकि अभी तो रेस्ट ही है, स्कूल भी है ना अभी जाना शुरू किया है, इसको कई महीने से रेस्ट करा है। तो वो दे दिया मांग रही है अपने पैसे, वो तो हक बनता है। तो यहाँ पर फिर ये मेरी दीदी की बेटी है, सारे भाई बहन इकट्ठा हो रहे हैं, भाई टाइम तो लगेगा ही। और फिर बातों कुछ टाइम तो है ना बातों बातों में निकल जाता है, सारा दिन बैठ के बातें गप्पे शप्पे लड़ाते रहो बस, क्योंकि फिर है ना सबको आप अपने रास्ते होना है, फिर जाना है। 12-1 बजे हम निकलेंगे यहाँ से, खाना वाना खा के आराम से जाएंगे। और यहाँ पर आ गई है आराध्या की बारी, और देखिए आराध्या ने वही ड्रेस पहनी है जो अभी मैंने है ना 2 दिन पहले ही इसको रेडी किया था, और मुझे लग रहा था कि वो इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन बनने के बाद है ना काफ़ी सुंदर लगी है। सबसे मेन बात तो यह है कि वो खुद डिज़ाइन की है तो इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है, पता नहीं मुझे ही या आप लोगों को बताना ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर चारों भाई एक साथ बैठ गए, क्योंकि देर है ना काफ़ी देर हो गई थी कि इसमें तो है ना बहुत देर हो जाएगी ऐसे एक एक बैठेगा, तो चारों भाई बैठ गए हैं। और अभी एक आया नहीं है जो मेरी दूसरी बहन का बेटा है, वो अभी अपनी बुआ के घर पे गया है, वहाँ से फिर आएगा। तो यहाँ पर यह है ना ये जल्दी का काम हो रहा है, चारों को बैठा के एक साथ ही राखी बांधी। अब देखिए नंबर वार से आइए, और वैसे आराध्या को है ना अभी अच्छे से गांठ मारना नहीं आता है, तो उसकी हेल्प मैंने कर दी थी थोड़ी सी, सीख जाएगी धीरे धीरे। मिल गया है आराध्या को अपना गिफ्ट, देखिए खोल कर देख रही थी, वो नहीं वो दिया बोल रही थी कि परी दिखा तो दे क्या है इसके अंदर। तो ये रहा आराध्या का छोटा सा गिफ्ट, बहुत ही सुंदर
और यहाँ पर अथर है ना, अथर भी उसके लिए गिफ्ट लेके गया था, लेकिन लेके क्या गया था उसका गिफ्ट है ना, ले तो लिया था, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हम राधे के लिए गिफ्ट लाए हैं, लेकिन वो है ना उसका यहीं पर रह गया था क्योंकि कांच का था और रास्ते में टूटने का डर था, तो इसलिए हम उस गिफ्ट को वहाँ पर नहीं लेके गए। और ये उसको आके यहीं पर ही मिलेगा, तो बस राखी बंधवाएगा और थोड़ा सा नेक दे देगा उसको, क्योंकि उसका गिफ्ट उसने ले तो रखा है, हमारे घर पर ही रखा हुआ था। अब रास्ते में इतनी भीड़ भाड़ थी, लाया भी नहीं गया क्योंकि हम है ना थोड़ी दूर तक तो मेट्रो में आए थे। और हाँ ये देखो, आज तो आराध्या के भी पैर छुए हैं अथर ने, और यहाँ पर देखिए आराध्या बांध रही है मेरे पापा मतलब अपने नाना को राखी, और पापा लेटे लेटे ही राखी बंधवा रहे हैं। और यहाँ पर अभी जिसका इंतज़ार था वो आया है अपनी बुआ के घर से राखी बंधवा कर, तो बाहर ही बैठकर काम कर लिया है दिया ने, तीनों ही बहनों ने यहीं पर बैठकर राखी बांध दी थी, अंदर तक जाने का वेट नहीं किया। तो इसी तरह से खुशी खुशी हमने अपनी राखी को सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर और हंसी खुशी से। और जिस टाइम से बताया था कि उस टाइम पर राखी बांधनी है, उसी टाइम पर राखी का अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, हैप्पी राखी, फिर मिलेंगे।